इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7 प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सरल कीजिए और घातांक के रूप में उत्तर लिखे। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 8 प्रश्नावली 8.2 और वर्ग है 7। इसमें प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है सरल कीजिए और घातांक के रूप में उत्तर लिखिए। इनको क्या करना है, सरल करना है और इसके बाद क्या करना है, इनका उत्तर जो है घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए हम इसको किस तरह से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए ये अभी घातांक के रूप में दिया हुआ है दोनों, और ये देखिए यहाँ पर इसकी घात में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको घात में बदल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको घात में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 3 है, इसको वैसे ही लिख दीजिए। 3 की घात 4 को वैसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनको जब घातांक के रूप में यानी कि घात के रूप में इसको जब लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 × 2 × 4 यानी कि 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की घात 2 का मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है। जब 2 बार स्वयं से गुना होगा तो 4 आ जाता है। और इसके बाद देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, ये जो 32 है इसको भी हम क्या करते हैं घातांक के रूप में लिख लेते हैं। तब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात 2 है, तो इसको वैसे ही लिख दीजिए 3 की घात 2। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की घात 5। अब कहिएगा 2 की घात 5 हमने क्यों लिखा, तो हमें पता है 2 की घात 5 का मतलब हो गया ये जो है स्वयं से 5 बार गुना हो रहा है, 2, 3, 4 और ये 5 बार। देखिए गुना कीजिए, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, यहाँ पर 32 आ जाता है जब इसको गुना करते हैं, तो ये गुणनखंड के रूप में। यहाँ पर देखिए इसको जो है अगर आप लोगों को इस तरह से न निकालना आए तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे या फिर बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो इसका गुणनखंड इस तरह से आएगा और इसको हम क्या करेंगे घातों के रूप में गिनती करके लिख देंगे। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, तो आगे क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए इसको सजा करके सबसे पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की घात 3 × 2 की घात 2, इसको हम एक सब जगह ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 3 की घात 4 और बट्टे में हम क्या करेंगे, तो इसको भी सजा करके लिख दीजिए 2 की घात 5 × 3 की घात 2। अब कहिएगा इसमें हमने तो उल्टा क्यों लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए इसको उल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जब हम इस तरह से 2 × 3 गुना करें या फिर हम यहाँ पर 3 × 2 करें आंसर सेम आएगा, इसमें भी 6 आएगा और इसमें भी 6 ही आएगा, तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, इसको हम सजा करके लिख दिए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 और इसमें देखिए 2 की घात 2, देखिए दोनों की आधार क्या है, समान है। जब दोनों की आधार समान रहता है तो हम इसमें क्या करते हैं, और वो गुना में रहता है तो हम इसकी घात को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ पर समझिए सूत्र से, यहाँ पर देखिए इसमें सूत्र, जब दोनों की आधार क्या हो समान हो वो गुना में हो तो हम क्या करते हैं इसकी घात को क्या करते हैं जोड़ देते हैं इस तरह से। यहाँ पर देखिए इस तरह से जोड़ दिए, इसमें भी हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर एक बार आधार को लिख देंगे और इसकी घात को जोड़ देंगे, 3 और 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 और इसके बाद लिखेंगे गुना में 3 की घात 4 है तो लिख दीजिए 3 की घात 4 और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 5 है तो लिख दीजिए 2 की घात 5 और गुना में यहाँ पर देखिए ये जो है 3 की घात 2 दिया हुआ है, ये 3 की घात 2 है तो लिख दीजिए 3 की घात 2। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, तो देखिए इसको ऊपर करके लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे या आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इनको जोड़ेंगे तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 हो जाएगा 3 + 2 और गुना में 3 की घात 4 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा 2 की घात 5 और गुना में 3 की घात 2। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको सूत्र पर लाने के लिए हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ पर इनको अलग अलग कर दे रहे हैं, तो जब इनको अलग अलग करेंगे इसको ऊपर कर लेते हैं, जब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बट्टे में 5 2 की घात 5 और बट्टे में 2 की घात 5 इस तरह से इसको लिख सकते हैं और गुना में 3 की घात 4 और इसके बाद लिख सकते हैं 3 की घात 2। दोनों को क्या किया, अलग अलग कर दिए हैं। अब देखिए ये सूत्र पर आ रहा है, यहाँ पर देखिए जब हमें पता है जब इस तरह से भाग में दिया है, जब देखिए यहाँ पर दिया है इस तरह से भाग में दोनों की आधार समान हो और इनकी घात इस तरह से दिया हो, तो हम क्या करते हैं एक बार आधार को लिख देते हैं और इनके ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटा देते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम उसी तरह से करेंगे, दोनों की आधार समान है तो एक बार आधार को लिख देंगे और ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 में से जब हम 5 को घटाएंगे, डायरेक्ट घटा लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, एक बार लिखते हैं इसे 5 घटाओ 5 तो भी उतना ही आंसर आता है, एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता तो हम इसको डायरेक्ट कर लिए, 5 में से 5 को घटाए तो 0 और गुना में यहाँ पर देखिए 3 की घात 4 और 3 की घात 2, तो दोनों की आधार समान है तो एक बार आधार को लिख दीजिए सूत्र से और देखिए ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटाएंगे तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2,
देखिए अब हम क्या करेंगे इससे आगे, तो आगे हम इसमें लिखेंगे बराबर में, देखिए 2 की घात 0 का मतलब क्या हो गया 1, और यहाँ पर इसके बाद गुणा में 3 की घात 2, तो लिख देंगे 3 की घात 2। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आगे लिख लेंगे, यहीं पर ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर आंसर में। तो देखिए यहाँ पर जब हम 1 को गुणा करेंगे 3 की घात 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने एक नंबर देख लिया। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा नंबर में इसी प्रकार दूसरा नंबर को भी हल करेंगे। देखिए दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर इस तरह से कोष्ट में डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें दिया है 5 की घात 3 और इसके घात में दिया है 2, इस तरह से यहाँ पर 2 बार घात में दिया है, इसके घात में है और साथ में इसके भी घात में इस तरह से दिया है। तो हम इसमें किस तरह से हल करेंगे, तो इसका सूत्र होता है, देखिए जब इस टाइप से दिया है 1 की घात m और इसके घात में n, तो हम क्या करते हैं एक बार आधार को लिख देते हैं और उसके बाद घात को क्या करते हैं, घात से गुणा कर देते हैं। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, एक बार आधार को लिख देंगे, ये 5 आधार है, नीचे वाला क्या होता है हमेशा आधार, देखिए हम आधार और घात को हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम लिख दिए 5 की घात 2, तो यहाँ पर देखिए ये जो नीचे वाले हैं इसको हम कहते हैं आधार, इसको क्या कहते हैं आधार, अंग्रेजी में इसको कहेंगे बेस, बेस। और यहाँ पर ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाला है इसको कहेंगे घातांक, घातांक, या फिर इसको बोल सकते हैं घात, अंग्रेजी में कहेंगे पावर, अंग्रेजी में क्या कहेंगे पावर। और इसको पढ़ेंगे किस तरह से, तो 5 की घात 2। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए ये नीचे वाले क्या आधार है, तो आधार को लिख दीजिए इस तरह से 5, और इसके बाद हम घात को क्या करेंगे गुना कर देंगे, 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो 3 दुनिया 6, इसमें हम डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, 3 को 6 से 2 से गुना कर दीजिए 3 दुनिया 6, और उसके बाद गुना का चिन्ह लगाए तो गुना का चिन्ह लगाइए, और उसके बाद 5 की घात 3 है तो लिख दीजिए 5 की घात 3। अब इसके बाद क्वेश्चन में बंद कर दीजिए और भाग में है 5 की घात 6, इस तरह से लिख दिए। आगे हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए दोनों के आधार क्या है समान है और वो गुणा में है, जब दोनों के आधार समान हो और वो गुणा में होता है तो क्या होता है इनकी घात जुट जाता है। यहाँ पर देखिए जब दोनों के आधार समान हो और वो गुणा में हो तो इनकी घात क्या होता है जुट जाता है, यहाँ पर देखिए घात जुट गया है। तो इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, यहाँ पर आधार को एक बार लिख देंगे और इनकी घात को यहाँ पर क्या करेंगे जोड़ देंगे 6, और यहाँ पर इसके बाद जोड़ देंगे 3, और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर इसको कोष्ट से बाहर कर दीजिए, यहाँ पर भाग में लिख देंगे 5 की घात 6। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 की घात कितना हो जाएगा 6 और 3 9, और भाग में 5 की घात 6। अब देखिए फिर से ये सूत्र पर आ रहा है, अब कौन सा सूत्र आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये सेम है, दोनों के आधार समान है और वो भाग में, जब यहाँ पर दोनों के आधार समान और वो भाग में आ जाए तो हम इसमें घटाएंगे यहाँ पर घातों को। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम समझाते हैं, यहाँ पर देखिए जब दोनों के आधार क्या हो समान हो, दोनों के आधार समान हो और वो हमारा भाग में दिया है, तो हम इसको घात को क्या करते हैं नीचे वाले घात में से ऊपर वाले घात को घटा देते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे घटाएंगे, तो एक बार आधार को लिख दीजिए और इसके बाद देखिए 9 में से हम 6 को घटाएंगे, 9 में से क्या करेंगे 6 को घटाएंगे, तो घटाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 9 में से 6 घट गया, तो 3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से दूसरा नंबर देख लिया। अब देखिए हमने वीडियो के सिर पर किनको लिख लिया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। अब देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में यहाँ पर दिया है 25 की घात 5 भागा 5 की घात 4, तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो इनको सूत्र पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, क्योंकि 5 की घात 2 का मतलब हो गया 5 जो है स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, और 5 को स्वयं से 2 बार गुना कीजिएगा तो 25 आ जाएगा। तो हम 25 को लिख दिए 5 की घात 2, और इस 25 के घात में ऊपर में यहाँ पर घात है और इस 25 के ऊपर भी घात दिया है, तो इस 25 को हम लिख दिए 5 की घात 2, और इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा घात लग जाएगा, इस तरह से ये 5, और भागा में है, भागा में कितना दिया हुआ है, भागा में दिया 5 की घात 4, तो लिख दीजिए 5 की घात 4। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये सूत्र पर आ रहा है, तो यहाँ पर समझिए जब इस तरह से दिया हो, यहाँ पर जब इस तरह से दिया हो 1 की घात m और इसके ऊपर भी घात दिया हो, तो हम क्या करते हैं एक बार आधार को लिख देते हैं और इसकी घात को क्या करते हैं गुना कर देते हैं, m को n से गुना कर देंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे एक बार आधार को लिख देंगे, 5 आधार है तो, और इसके बाद हम क्या करेंगे इनकी घात को गुना कर देंगे, 2 को हम गुना करेंगे 5 से, तो 2 पंच 10 हो जाएगा, और भागा में 5 की घात 4। अब देखिए ये फिर से सूत्र पर आ रहा है, यहाँ पर देखिए जब दोनों के आधार समान हो और यहाँ पर इनकी घात क्या हो अलग अलग हो और वो भाग में हो, तो हम क्या करते हैं एक बार आधार को लिख देते हैं और यहाँ पर इसकी घात में से जो ये 10 है 10 में से हम 4 को घटा देंगे। यहाँ पर देखिए सूत्र से, यहाँ पर देखिए जब दोनों के आधार समान हो और इनकी घात अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं एक बार आधार को लिख देते हैं और यहाँ पर नीचे वाले घात में से ऊपर वाले घात को घटा देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 में से घटा देंगे किसको, ये 4 को, इनकी घात को घटाएंगे, तो यहाँ पर आंसर में कितना हो जाएगा 5 की घात 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से यहाँ पर तीसरा नंबर देख लिया। अब देखिए चौथा नंबर, देखिए चौथा नंबर कितना आसान है, यहाँ पर देखिए ये हमारा है 3 की घात 0, हमें पता है, यहाँ पर देखिए हमें पता है जब किसी का भी घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 का घात 0 हो गया, कितना भी बड़ा संख्या है उसका अगर घात में अगर 0 आ गया, 10,000 है 20,000 है, लेकिन ऊपर उसके ऊपर अगर 0 लग गया तो उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 की घात 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में 4 की घात 0 का मतलब 1, और यहाँ पर 5 की घात 0 का मतलब 1, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा 0 लग गया है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें जोड़ देंगे, देखिए 1 1 2 2 1 3, ये 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए पांचवी नंबर में ये गुना में, तब इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 की घात 0 का मतलब हो गया 1,
और इसके बाद गुना का चिन्ह लगाया, गुना का चिन्ह। चार की घात शून्य का मतलब एक, क्योंकि हमें पता है किसी का भी घात अगर शून्य हो जाए तो उसका मान एक होता है। और इसके बाद गुना में पांच की घात शून्य का मतलब एक, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए एक को एक से गुना करेंगे तो एक, और फिर एक को गुना करेंगे तो एक ही आएगा, यही एक क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देख लिया पांचवी नंबर। अब हम वीडियो को स्किप करके छठी नंबर लिख लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। ये छठी नंबर देखिए, छह नंबर में यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पहले इसको ऊपर कर लीजिए। अब देखिए छह नंबर में दिया है कोष्ट में चार की घात शून्य प्लस पांच की घात शून्य गुने दो की घात शून्य। तो इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो हमें पता है किसी का भी घात अगर शून्य हो तो उसका मान एक होता है, तो हम इसमें एक लिख देंगे, और प्लस में इसका भी घात शून्य आ गया तो इसका मान भी हो जाएगा एक। इसे याद रखना है आप लोगों को, ये सूत्र होता है किसी का भी घात शून्य हो जाए तो उसका मान एक होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। इसमें दोनों में यहाँ पर घात इनकी शून्य है तो इसका मान एक हो जाएगा दोनों की, और गुना में हो जाएगा दो की घात शून्य का मतलब एक। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए एक में एक को जोड़ेंगे तो दो, और इसके बाद गुना कर देंगे इसको एक से। जब दो को एक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने छह नंबर देख लिया। अब देखिए सात नंबर में क्या करेंगे, यहाँ पर है ग्यारह की घात छह, तो लिख दीजिए ग्यारह की घात छह गुने तेरह की घात तीन, और इसके बाद लिख देंगे तीन है तो लिख दीजिए तीन, और बट्टे में यहाँ पर देखिए उनचालीस को हम क्या लिख सकते हैं, उनचालीस को हम लिख सकते हैं तेरह गुने तीन, तेरह गुने तीन लिख सकते हैं, तेरह तिया को उनचालीस गुणनखंड के रूप में लिख दिए, और गुना में लिख देंगे ग्यारह की घात दो। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखिए ग्यारह की घात छह है तो लिख दीजिए ग्यारह की घात छह, और गुना में तेरह की घात तीन, और गुना में तीन, और इसको सजा करके लिख दीजिए। इसको हम सजा लेंगे, पहले हम क्या करेंगे इसमें लिख देते हैं ग्यारह की घात दो को, और उसके बाद लिख देते हैं तेरह गुने तीन, तेरह गुने में तीन। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, तो देखिए इनको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जब दोनों की आधार समान हो और वो बट्टे में हो तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले घात को घटा देते हैं। देखिए अलग अलग कर लीजिए, इसको हम लिखेंगे ग्यारह की घात छः बट्टे में ग्यारह की घात दो गुने तेरह की घात तीन बट्टे में तेरह, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है घात में, याद रखिएगा एक छुपा रहता है, और गुना में तीन बट्टे में तीन। तो देखिए ये तीन से तीन तो डायरेक्ट कट गया, और इस दोनों में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ग्यारह की घात छः और यहाँ पर ग्यारह की घात दो, तो बट्टे के रूप में रहता है, तो हम क्या करते हैं एक बार आधार को लिख देते हैं। यहाँ पर समझिए जब दोनों की आधार समान हो और यहाँ पर इस तरह से घात रहे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार आधार को लिख देते हैं जब दोनों के आधार समान हो तो, और हम ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटा देते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो ग्यारह हम लिख देंगे एक बार आधार को, और छः में से दो को घटाएंगे, एक बार लिख दीजिए इस तरह से छः में से हम दो को घटाएंगे, और गुना में यहाँ पर तेरह की घात क्या हो जाएगा तीन में से हम एक को घटाएंगे, तीन में से घटाएंगे एक को, और इसके बाद गुना में एक तो लिखना नहीं है, वैसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि एक से गुना करेंगे तो उतना ही आंसर आ जाएगा। तब इसमें हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए ग्यारह की घात छः में से हम दो को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ग्यारह की घात चार, और गुना में तेरह की घात यहाँ पर तीन में से हम एक को घटाएंगे तो तेरह की घात दो, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सातवीं नंबर भी देख लिया। अब देख लेते हैं आठवीं नंबर, यहाँ पर देखिए हमने आठवीं नंबर नवीं नंबर और दसवीं नंबर भी लिख दिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पाँच की घात सात है तो इसमें लिख दीजिए पाँच की घात सात, और बट्टे में यहाँ पर देखिए जब दोनों की आधार समान हो तो हम क्या करते हैं, और वो गुना में रहता है तो हम क्या करते हैं, ये देखिए इसके गुना में दोनों के बीच में गुना लगा है, और दोनों की आधार क्या है समान है, तो हम एक बार आधार को लिख देते हैं सूत्र से, और हम क्या करते हैं इन घात को जोड़ देते हैं, तो चार में हम तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चार प्लस तीन लिख देंगे, इस तरह से इसको हल कीजिए, तो पाँच की घात सात और बट्टे में पाँच की घात चार तीन सात। तो देखिए जब दोनों के आधार समान हो और वो बट्टे में आ जाता है तब हम क्या करते हैं एक बार आधार को लिख देते हैं, और इसकी घात क्या करते हैं ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटा देते हैं सूत्र से। यहाँ पर समझिए जब इस तरह से गुना में रहता है, देखिए जब दोनों के आधार समान हो और वो गुना में रहता है तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, और जब दोनों के आधार यहाँ पर क्या हो समान हो और वो बट्टे में रहता है तो हम क्या करते हैं घटाते हैं इस तरह से। तो इसमें हम क्या करेंगे सात में से सात को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शून्य, यहाँ पर हो जाएगा शून्य, या फिर एक बार लिख दीजिए सात घटाओ सात। आगे हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर बराबर, यहाँ पर लिख देंगे पाँच की घात सात में सात किया तो शून्य, और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पाँच की घात शून्य का मतलब क्या हो गया एक हो गया, इसे आप चाहे तो यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप लिख दीजिए एक, यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि पाँच की घात शून्य, शून्य जब किसी का भी घात अगर शून्य आ जाए तो उसका मान एक होता है। अब देखिए यहाँ पर नौ नंबर, नौ नंबर में देखिए कितना आसान है, यहाँ पर समझिए इसको, यहाँ पर है तीन की घात तीन, और यहाँ पर इसके ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है, तीन की घात ऊपर में कुछ भी नहीं तो एक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब दोनों के आधार समान हो तो हम एक बार आधार को लिख देते हैं, और वो गुना में हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं घात को जोड़ देते हैं, तीन में हम एक के जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चार, तीन प्लस एक लिख देंगे, और इनके ऊपर यहाँ पर घात क्या हो जाएगा तीन, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा तीन की घात कितना हो जाएगा तीन की घात चार, और इसके ऊपर भी यहाँ पर घात दिया है तीन। अब देखिए ये सूत्र पर आ रहा है, जब इस तरह से आ जाए, देखिए यहाँ पर एक की घात एम और इसके ऊपर भी घात दिया रहा है इस तरह से एन, तो हम क्या करते हैं इसमें एक बार आधार को लिख देते हैं और इसकी घात को गुना कर देते हैं, तब इसमें भी हम क्या करेंगे यहाँ पर एक बार आधार को लिख देंगे, आधार तीन है तो, और इसकी घात को क्या करेंगे गुना कर देंगे, चार को तीन से गुना कर देंगे, चार गुने तीन लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा तीन की घात चार तिया बारह, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर।
अब देखिए यहाँ पर लास्ट नंबर 10 नंबर, देखिए कितना आसान है, समझिए इसको। यहाँ पर है 5 की घात 8, तो लिख दीजिए 5 की घात 8 और गुना में 1 की घात 5 और बट्टे में 25 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र पर लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर घात के रूप में लिख देंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, 5 की घात 2, क्योंकि हमें पता है 5 की घात 2 का मतलब हो गया 5 2, स्वयं से 2 बार गुना हो रहा है, तो स्वयं से जब 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। और इसके ऊपर यहाँ पर 3 घात दिया है, तो इसके ऊपर भी हम लिखा देंगे इस तरह से घात 3, और इसके बाद है 1 की घात 3। अब हम इसमें यहाँ पर आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर है 5 की घात 8, तो लिख दीजिए 5 की घात 8 और 1 की घात 5 और बट्टे में 5 की घात 2 और इसके ऊपर भी घात, जब इस तरह से आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सूत्र पर लगाते हैं। सूत्र क्या होता है, एक बार हम आधार को लिख देते हैं, 5 आधार है तो, और इसके यहाँ पर घात को गुना करते थे, 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 और गुना में यहाँ पर 1 की घात है 3, तो लिख दीजिए 1 की घात 3। अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, इसको क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर सूत्र पर लाने के लिए 5 की घात 8 और बट्टे में लिख देंगे 5 की घात 6 और गुना में लिख देंगे 1 की घात 5 और बट्टा में 1 की घात 3, इस तरह से लिख दिए। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 की घात 8 और यहाँ पर 5 की घात 6, यहाँ पर बट्टे के रूप में रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार आधार को लिख देते हैं, आधार समान रहता है तो, और ऊपर वाले घात में से हम नीचे वाले घात को घटा देते हैं, तो डायरेक्ट घटा दीजिए, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 और इसके बाद गुना का चिन्ह। यहाँ पर देखिए 5 1 की घात 5 और 1 की घात 3, तो देखिए दोनों की आधार समान है, तो एक बार आधार को लिख देंगे, ऊपर वाले घात में से नीचे वाले घात को घटाएंगे, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2। अब इस तरह से हम इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर जब दोनों की यहाँ पर क्या हो, जब दोनों की घात समान हो, देखिए इन दोनों की घात क्या है, समान है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो हम क्या करते हैं, जब दोनों की घात समान होता है, यहाँ पर समझिए, जब दोनों की घात समान हो और इसकी आधार जब अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, आधार को गुना कर देते हैं और इनकी घात को लिख देते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर इस तरह से गुना करेंगे, 5 को a से गुना करेंगे तो 5a हो जाएगा और इसकी घात क्या करेंगे, हम लिख देंगे 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में देख लिया। वीडियो लंबा होने के कारण हम वीडियो को यहाँ पे एंड कर, नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।